हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल फार्म लेक्चर्स। आज हम इसमें पढ़ेंगे मेडिसिनल केमिस्ट्री का यूनिट टू का जो हमारा टॉपिक चल रहा था एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट ड्रग के बारे में, जिसमें हम अल्फ़ा ड्रग्स के बारे में बात कर रहे थे। तो जो हमारा आज का ड्रग है वो हमारा प्राजोसिन है। प्राजोसिन क्या है? प्राजोसिन हमारा क्विनाजोलिन जो ड्रग है उससे ड्राइव्ड किया गया, और ये एक हाईली स्पेसिफिक एंटागोनिस्ट अल्फ़ा वन रिसेप्टर होता है। स्ट्रक्चरली अगर हम देखें तो ये इसमें क्विनाजोलिन रिंग, पाइपरेजिन रिंग और एक एसाइल ग्रुप जो है वो प्रेजेंट होता है। मतलब इसमें हमारे तीन रिंग प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हमारे एग्ज़ाम में एमसीक्यू आ रहे हैं, इस बार एग्ज़ाम होंगे, तो अगर उसमें पूछ लिया कि प्राजोसिन में कौन कौन से रिंग जो है प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से रिंग अगर ये इस कंटेन करता है, तो इसमें हमारा पहला एक क्विनाजोलिन रिंग, पाइपेराजिन रिंग और एक एसाइल ग्रुप जो है वो हमारा कंटेन होता है। मैं इसके नोमेनक्लेचर के टाइम में इसके बारे में और बता दूंगा। अब हम इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करते हैं। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में अगर हम देखें तो प्राजोसिन जो होता है वो हमारा इनहिबिट करता है, रोक देता है पोस्ट सैनेप्टिक अल्फ़ा वन एडिनोसेप्टर को, जो कि वैस्कुलर स्मूथ मसल्स पर प्रजेंट होता है। पेरीफेरल वैसोडाइलेशन अकर होता है, क्योंकि जब वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन इफेक्ट जो होता है सर्कुलेट नहीं कर पाता, और लोकली रिलीज्ड कैटेकोलामाइन जो होता है वो इनहिबिट कर देता है, उसको रोक देता है, तब हमारा जो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन जो है, पेरिफेरल वैसो डायलेशन जो है वो हमारा अकर होता है। इसके अगर हम यूजेस की देखें तो ये हमारा हाइपरटेंशन में यूज़ होता है, सिम्पेटोमेटिक मेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरलेसिया और सेवर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर्स में होता है, और ये हमारा यूज होता है बीटा ब्लॉकर्स के लिए, प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट ऑफ साइन एंड सिम्टम्स फॉर फेनोक्रोमोसाइटोमा, इसके लिए हमारा ये ड्रग जो है यूज होता है। इसके बाद जो हमारा ड्रग आता है वो आता है हमारा डाईहाइड्रोएर्गोलामाइन। डाईहाइड्रोएर्गोलामाइन जो होता है हमारा वो 9-10 अल्फ़ा डाईहाइड्रो डेरिवेटिव होता है हमारा एर्गोटामाइन से, ठीक है। ये हमारा मेजरली यूज्ड किया जाता है, जो ये ड्रग है इसका हमारे इस्तेमाल किया जाता है माइग्रेन डिसऑर्डर्स के लिए, कि जिनको माइग्रेन होता है उनके लिए होता है, कि जो उनकी वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर एक्टिविटी जो होती है उसमें चेंजेस आते हैं, इफ़ेक्ट्स पड़ते कि उसके बाद इसका स्ट्रक्चर का जो नोमेनक्लेचर है इसके मैं आपको अलग से बता दूंगा। इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे देखते हैं, जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है इसका, ये एफिकेसी शो करता है 5-HT रिसेप्टर एगोनिस्ट का, जो कि हमारा डिराइव करता है माइग्रेन को, और एक्सप्लेन होती है ये दो थ्योरीज से एक्सप्लेन किया गया। पहला, जो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है जिसके कारण जो एक्टिवेशन होता है 5-HT10 रिसेप्टर का, जो कि हमारा इंट्रा क्रेनियल ब्लड विसल या एटेरियो वीनस एनास्टोमोसिस में होता है, वो रिलीव करता है माइग्रेन हेडेक को, जो हमारे माइग्रेन के टाइम में हेडेक होता है उसको रिलीव करता है। दूसरा हमारा ये है कि जो इनहिबिशन जो होता है प्रो इन्फ्लामेटरी का, न्यूरोपेप्टाइड रिलीज का, जब एक्टिवेशन होता है 5-HT10 रिसेप्टर का, जो कि हमारे सेंसरी नर्व एंडिंग में प्रेजेंट होता है ट्राइजेमिनल सिस्टम में। यूजेस में देखें तो ये हमारा यूज किया जाता है कि ट्रीट कर सके हम माइग्रेन हेडेक और क्लस्टर हेडेक एपिसोड्स को। मिथाइल सरगाइड क्या होता है? ये एक अर्गोट डेरिवेटिव रिलेटेड लाइसेरिक एसिड होता है, जिसमें डाईइथाइल अमाइड प्रेजेंट होता है। यह हमारा एंटा एगोनिसाइज सेरोटिन इफेक्ट जो है ब्लड में विजल और गैस्ट्रो इंटेस्टिनल स्मूथ मसल्स और में शो करता है और कंसिस्ट करता है कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ इर्गोट एल्कलॉइड्स के। इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, तो जो मिथाइल सरगोइड होता है वो हमारा सेरोटोनिक एंटागोनिस्ट एक्टिंग एजेंट शो करता है CNS पे, और कॉज करता है वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन को, जो कि डायरेक्टली स्टिमुलेट करता है हमारे स्मूथ मसल को, और ये हमारे प्रोसेस करता है कुछ अल्फा एडिनर्जिक ब्लॉकिंग एक्टिविटी को। यूजेस में देखें तो इसका हमारा यूज़ होता है ट्रीटिंग वैस्कुलर हेडेक को। अब इसके बाद आते हैं
तो फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो, जो हमारा इस वीडियो में हमने अल्फा एडिनर्जिक ड्रग्स कंप्लीट कर दिए, इसके जो स्ट्रक्चर्स है, इनके जो लास्ट के जो स्ट्रक्चर्स है, इनके नोमनक्लेचर्स के लिए मैं अलग से एक वीडियो में बता दूंगा, नहीं तो आगे मैं किसी भी जब मुझे आगे किसी वीडियो में मैं इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में दोबारा से बता दूंगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।